Assalamualaikum everyone and welcome to the 7th episode of Ruby Speaks. I'm Rubail Ali and stay tuned because aaj ka episode bahut mazey ka hone wala hai. सो आज के वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग इशू है. एंड नो, बिफोर आप लोग गेस करना शुरू कर दें, आई एम गोइंग टू टेल यू कि इट्स नॉट अबाउट पबजी. उसका हम किसी और दिन करेंगे. अभी आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया यार. मतलब ये है आसिम अज़हर की न्यू वीडियो, म्यूजिक वीडियो जो कि है तुम, जिसका टाइटल है. और इसने सोशल मीडिया पे आके लोगों को हिला के रख दिया यार. मतलब लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि आसिम अज़हर ने इतनी अच्छी वीडियो आखिर बनाई कैसे. मैंने पर्सनली ये वीडियो देखी नहीं, मैं म्यूज़िक वीडियो ज़्यादा नहीं देखता. मुझे जो गाना पसंद आता है मैं सीधा उसको ऑडियो वर्जन उसकी डाउनलोड कर लेता हूँ. लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे इस पर इतनी ज़्यादा बात हुई, चर्चे हुए, तो मैंने सोचा मैं देख ही लूँ. और इसको देखने के बाद मुझे भी अंदाज़ा हो गया यार कि आसिम अज़हर ने कोई वाकई बहुत अच्छा काम किया यार. मतलब इस वीडियो के अंदर उसने जिस तरह का उसने एक्सप्रेशन दिया है ना, जिस तरह से उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वो तो भाई इट्स वर्थ मार्वलिंग एट. सो दिस वीडियो इज अपेरेंटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड डिगर्स, यानी कि पैसों की खातर जो लड़कियां लड़कों को बिट्रे करती हैं. ठीक है, और शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही उसने एक कोट डाल दिया. द कोट इज कि इफ यू चूज मनी ओवर लव यू विल बी पुअर फॉर एवर. ठीक है, या समथिंग टू दैट इफेक्ट. और उसके बाद जो इमीडिएटली अगला सीन आया ना, उसके अंदर उसने बता दिया है कि ये कोट किस तरह कितना मायने रखता है उसके लिए, यानी कि पैसे की कोई वर्थ ही नहीं है उसके लिए. क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक सीन आता है जिसके अंदर एक सिंगर भाई साहब एक भरे हुए बाथटब के अंदर लेटे होते हैं, एक फुल ब्रांडेड लेदर जैकेट पहनकर, जो कि पता नहीं कितने हजारों रुपए की होगी. और वहां से वो राइज करते हैं एंड अपेरेंटली उनको लगता है कि ये एक कूल इफेक्ट होगा, लेकिन कूल नहीं था भाई. इट लुक्स वेरी स्टूपिड. आप लोग भी देखिए जरा किस तरह होता है ये. ब्रांडेड लेदर जैकेट जिसकी पता नहीं कई हजारों में कीमत होगी, आप उसको पहनकर एक बाथटब में लेट रहे हो. वाकई भाई आपने दिखा दिया पैसों की कोई परवाह नहीं है आपको. एंड पैसा कुछ नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं होता. ये ब्रांडेड लेदर जैकेट्स, ये ब्रांडेड जूते, देन नथिंग, कुछ नहीं है. फिर एट लॉन्ग लास्ट इस एस्टैब्लिशिंग सीन के खत्म होने के बाद वीडियो का आखिर का टाइटल आ जाता है जिसमें लिखा है तुम, जो कि बड़े ही अजीब टेक्स्ट में लिखा है. शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था. अगर नीचे यूट्यूब के अंदर उन्होंने टाइटल ना लिखा होता, फिर तो शायद हमें पता भी नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है. सो वीडियो के स्टार्ट में ही दिखा देते हैं, एक लड़का है वो ड्रिंक पी रहा है और साथ में आके उसको एक लड़की ज्वाइन कर देती है. और उन दोनों के साथ मौजूद है दी ओल्डेस्ट बार टेंडर ऑन द प्लैनेट. भाई ये चचा जान को देख के लगता है कि किसी बार में काम कर रहे होंगे. आप लोग तो किसी क्लब में भी चले जाओ ना, वहां पे भी जो लोग काम कर रहे होते हैं देर यंग अट्रैक्टिव. बेचारी चचा को देख के लग रहा है कि पता नहीं ये तो अभी अभी 103 के हुए हैं. ठीक है, इनको बार में नहीं होना चाहिए भाई, इनको घर पे होना चाहिए अपनी फैमिली के साथ. तो कोरोना वायरस वैसे भी फैल गया, तो इनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. कहाँ ये बार में लोगों को ड्रिंक सर्व करते फिर रहे हैं. खैर, उसके बाद वीडियो की आखिरकार ओपनिंग होती है. ओपनिंग लाइंस, ये मैं अनबायस्ड होकर कह रहा हूँ, ओपनिंग जो लिरिक्स हैं वो फिर भी ठीक हैं, उनसे मतलब बंदा थोड़ी बहुत फील में आ जाता है म्यूजिक की. लेकिन जो उसके बाद जो लिरिक्स फॉलो होते हैं उसमें क्या एटीट्यूड दिखाया है भाई. आई मीन लिरिक्स क्या है, खुश नसीब है वो लड़की क्योंकि उसने आपको रांझा बना दिया है. मतलब भाई क्या एटीट्यूड है भाई. सही बात है, सही कहते हैं यार. मतलब एटीट्यूड की तो मतलब आपने शुरू में लेदर जैकेट वाला सीन काफ़ी नहीं था, जब आपने मजीद एटीट्यूड इसके अंदर डाल दिया है, क्या कहने यार आपको. मतलब सही बात है, क्या मतलब यही एटीट्यूड हर लड़के का होना चाहिए. एंड उसके बाद ये भाई क्या कहते हैं कि सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँ तुमसे बात, ये इस तरह का एक लिरिक वो गाते हैं. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो ड्रिंक भी पी रहे हैं, लड़की के साथ नाच भी रहे हैं. भाई जब आप एक लड़की के साथ नाच रहे होते हो ना, तो बातों से बहुत आगे पहुंच जाती है बात. ठीक है, अगर मुझे किसी लड़की से बात करनी हो, मैं पहले कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, हेलो, हाउ आर यू, मतलब इस तरह करके मैं बात शायद शुरू करूँगा. लेकिन जब मैं एक फुल फील में आके एक लड़की के साथ गाना गा रहा हूँ ना, तो फिर मैं उस वक्त ये पूछता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा कि सोचता हूँ कि कैसे करूँ तुमसे बात. फिर एट लॉन्ग लास्ट आता है वो एपिक कोरस जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे. बूम 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 के तुम, क्या कौन सा लिरिक है ये यार. आप में से किसी को अगर तुम सुनाई दे रहा है ना, तो वो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये सुनाई दे रहा है. खैर, एनीवे, फिर सीन शिफ्ट हो जाएगा टू अनदर
रेस्टोरेंट जहाँ पर एक लड़का एक लड़की के साथ बैठ के डिनर कर रहा है, वो लड़की को प्रपोज करता है और लड़की सीधा सीधा उसके मुंह में नैपकिन मार देती है। आई मीन यार लड़की यहाँ बड़ी बदतमीज है यार, वो सिर्फ आपको प्रपोज कर रहा है, आप इज्जत से उसको आराम से रिजेक्ट कर सकती हो, नैपकिन फेंक के उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है। आई मीन इस वीडियो में तो उसने कुछ ऐसा कुछ खास बुरा किया भी नहीं, अगर हाँ लेकिन अलबत्ता अगर आपने उसकी घटिया रैपिंग स्किल्स के लिए उसको मारा है फिर ठीक है, फिर तो मैं भी वहां पे खड़ा होता, मैं भी एक अदद नैपकिन मार देता वहां से। जब लड़की वहां से जाने वाली होती है तो फिर आता है वो ग्रैंड एपिक कोरस। लड़की के जाने के बाद सारे बॉयज बैठ के खाना खाना शुरू हो जाते हैं और आपस में गाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एंड एंजॉय करते हैं एक दूसरे को। यार इफ दिस डजंट सेव ब्रोस बिफोर होज तो आई डोंट नो व्हाट डज। ऑल दोस गाइस जो कि अपनी बंदियों की खातिर अपने दोस्तों को अबैंडन कर देते हैं, प्लीज यार ना करो, दोनों के बीच बैलेंस रखो। ये ना करो कि अपनी बंदी को टाइम देने के चक्कर में अपने जिगर के टुकड़ों को, जो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे यार है, तुम्हारे ब्रोज है ना, उनको तुम इग्नोर कर दो। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट आता है, हमें लगता है कि एक लव स्टोरी है जो वाकई मतलब ना मुकम्मल होने वाली है आफ्टर टू फेल्ड अटेम्प्ट्स। ठीक है, लड़का ऊपर लैडर पे चढ़ता है लड़की को प्रपोज करने के लिए एंड लड़की उसे मजाक मजाक में शायद धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसका क्या हाल होता है ये आप देख लें। मैं कहता दिल दो और वो कहती बिल दो, होती है फ्रेंड क्यों, आई एम जस्ट प्लेइंग, दे ओ द क्रेडिट पार्टनर पुली, यू नो हुस पेइंग। पहले लगता था कि हम सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में इस तरह की चीजें देखते हैं जहाँ पे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि एक ऑफिसर केला लेके लोगों का कत्ल कर रहा है या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसे ही हो रहा है जिससे दिल फेंका वो सीने के अंदर लग गया और फिर आपकी सर्जरी पूरी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह करके मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियोज में भी इस तरह के एलिमेंट्स अब आना शुरू हो गए कि बंदे का सर फट गया है, ही शुडंट इवन बी कॉन्शियस एट द मोमेंट ऑफ वो गाना गा रहा है। वाह। एंड फिर आता है वो एपिक लास्ट सीन जिसने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जिसमें हानिया बहन अपनी नाइटी में लड़कों के सामने से गुजरती हैं और लड़के सारे उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं, जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है एंड कमिंग सून का टाइटल आ जाता है। हानिया आमिर की इस एंट्री की वजह से इस वीडियो को काफी फ्लैक मिला है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर कैसे आप दिखा सकते हैं लड़की को एक अधनंगी हालत में यूं गुजरते हुए। ओ भाई, दिस इज अ म्यूजिक वीडियो जिसके अंदर लड़कों को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया है, जिसके अंदर बार पे जाते हुए दिखाया गया है, डांसिंग, रैपिंग और भी ना जाने क्या क्या चीजें दिखाई गई जो कि बहुत अन इस्लामिक है, लेकिन हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स का फोकस कहाँ जाएगा भाई, एक लड़की ने अपने आप को सही से ढकावा नहीं है। चार अन इस्लामिक चीजें हो रही हैं इस म्यूजिक वीडियो के अंदर जो कि अगर आप गौर से देखो आपको नजर आएंगे, लेकिन आवाज सिर्फ तब उठेगी जब एक लड़की ने अपने आप को सही से ढकावा नहीं होगा। नो, जस्ट गोज टू शो हाउ मेस्ड अप द प्रायोरिटीज ऑफ दिस कंट्री आर। गाइज, दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ आसिम अज़ीज़'स वीडियो तुम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसिम अज़ीज़'स वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो जो मैंने इस वक्त अपलोड की है, एंड प्लीज़ गिव मी मोर आइडियाज़ फॉर फ्यूचर एपिसोड्स। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को एंटरटेन जरूर करूंगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एल्स ताकि वो भी देख सके कि मैं किस तरह का अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करता हूँ। सो अंटिल एपिसोड 8, सी यू। I'm gonna be